वीडियो का थंबनेल देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में क्या चलने वाला है, क्या बताने वाले हैं विकास भाई। तो इसमें क्या बताने वाले हैं इसकी बात हम करेंगे। जैसे कंप्यूटर की दुनिया, हम ये एक टॉपिक आज उठाए हैं। सोचे थे कि सब लोग सीख रहे हैं ना, हर एक जगह कोई ना कोई सीख रहा है, तो अब हम कुछ सीखने में कुछ नया सिखाते हैं। जैसे ये चीज़ तो कहने के लिए नया नहीं है, है तो पुरानी, लेकिन अगर आप इस चीज़ से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो वो आपके लिए नया होगा। ठीक है, तो नया होगा तो नए में अब जानना चाहिए कि जिस चीज़ से जुड़ने वाले हैं उसके फील्ड के बारे में, कि ये दुनिया में जो समाज चल रहा है उसमें क्या उसकी उपयोगिता है या नहीं है। क्योंकि हमें काम वही सीखने चाहिए जिस काम का उपयोग आज की दुनिया में हो रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें बस वही चीज़ सीखनी चाहिए जिसमें इस दुनिया का प्रयोग है, दुनिया भरी पड़ी है काम करने के लिए उस फील्ड में। तो हमें हम देख रहे हैं कि हर एक जगह, चाहे सब्जी की दुकान हो, चाहे खाने का व्यवस्था जहाँ वहाँ पर हो, नाश्ता करने जाते हैं तो वहाँ पर भी, स्कूल में, कॉलेज में और ट्रेन में, चाहे जहाँ देखेंगे, हम लोग यूज़ करते हैं क्या डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया का एक पार्ट, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर या स्मार्टफोन या टैबलेट या कुछ भी। तो अभी हम ना इस दुनिया को पढ़ते हैं कि ये जो युग है ना भाई साहब, वो कंप्यूटर का युग है। इसमें तो कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अगर कंप्यूटर पे हर एक इंसान के पास क्या है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, आज की दुनिया में खाना नहीं खाना हो चलेगा, बट फ़ोन चाहिए सर, स्मार्टफोन चाहिए, टैबलेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए। जो लोग फ़ोन पे अटके पड़े हैं वो लैपटॉप को प्रेफर करते हैं, जो लैपटॉप पे अटके पड़े हैं वो प्रेफर करते हैं। तो ये सब चीज़ें का अपना अपना एक मेल है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ना कुछ बातें और करनी है। जैसे अभी क्या है, कंप्यूटर एक ऐसा शब्द है जो आज हर कोई, बड़े से लेके बच्चों से लेके सब कोई जानता है। तो ये क्या है कंप्यूटर, क्या है ये, एक डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें हमको इसमें सीखना भी होता है सर। इसमें आप फ़ोन की तरह कुछ लिमिटेड ऐप्स तो होते नहीं हैं, इसमें भी बहुत बड़ी दुनिया कंप्यूटर की है। ये बहुत पहले बना था, तब से ये चलता ही आ रहा है, आज तक रुका थोड़े ना। आपके मानसिक गतिविधियों का ये रूप है, जो आप काम सोचेंगे वही काम आप इस पर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इन सब बातों को लेके ना एक बात और मन में आती है कि कंप्यूटर ठीक है सर, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, अब बहुत बड़े परिवार, बस टाइम नहीं है। चलिए, इतना सब जान लेने के बाद एक बात मन में और आती है, जो कि ये होती है कि सर अगर हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं बट हम उसको प्रीफर नहीं कर पाते कि अब कैसे उसकी आगे पढ़ाई करें, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे अगर आपके पास समय है, ठीक है, तो आप ऑफलाइन जाइए, मैं कहूँगा आप ऑफलाइन जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो यूज़र है और उसका कंप्यूटर से जो इंटरफेस होता है उसमें एक लोग मिलेंगे आपको समझाने के लिए, गाइडेंस जिसको बोलते हैं गाइडेंस। बिना किसी के समक्ष रह के आप कुछ भी चीज़ों का समाकलन अपने अंदर सही से नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन क्या है, वहाँ पे एक दिखावे की दुनिया है, आप वहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसका एक्सपीरियंस खुद के लाइफ में, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं, जो लोग करते हैं, उसको देख के नहीं सीखेंगे, तब तक उसका कोई मतलब आपके जीवन में नहीं होगा। हाँ, अगर आप पढ़ने में तेज़ हैं, पढ़ने में अच्छे खासे हैं, आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी भी सही से आती है, आपको मैथ भी आती है, तो आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। आजकल लोग ऑनलाइन ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कि लोग खाना भी ऑनलाइन मंगवा खा रहे हैं, समझ रहे हैं, देखिए ये दुनिया है। पहले लोग घर में काम करते थे, अब लोग मोबाइल में काम करते हैं, घर में काम कम करते हैं भाई साहब, तो ठीक है, तो देख लीजिए।